नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सुविधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक FM रेडियो का सर्किट बोर्ड है। इस बोर्ड का इस्तेमाल करके हम FM रेडियो का वायरिंग किस तरह से करते हैं उसकी पूरी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। इस सर्किट बोर्ड में जो मेन IC लगा हुआ है उसका नंबर है CD1619CP। आपको मैं थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ ताकि आप ठीक तरह से देख पाएंगे। इस सर्किट बोर्ड का वायरिंग करने से पहले आपको इस मेन IC के जो पिन कनेक्शन है उनके बारे में मालूम होना ज़रूरी है। ये 30 पिन का IC है। इस पिन को कहाँ से काउंट करना है वो भी देख लेते हैं। ये जो स्लॉट है, इस स्लॉट की राइट साइड से काउंटिंग शुरू करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से 15 तक, और फिर लेफ्ट साइड से 16 से लेके 30 तक। ये टोटल 30 पिन का IC है। तो चलिए, इस सर्किट बोर्ड की मदद से हम एक FM रेडियो को असेंबल करेंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 3 पोटेंशियोमीटर की, 1 वॉल्यूम कंट्रोलर के लिए, और 2 जो है, 1 बास के लिए और 1 ट्रबल के लिए। ठीक है, ये है वॉल्यूम कंट्रोलर, ये है बास के लिए पोटेंशियोमीटर, इसकी वैल्यू है 47K, और जो ट्रबल के लिए हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसकी भी सेम वैल्यू है 47K। ठीक है, तो इसके बाद हमें लगेगी एक बैटरी जो कि 4 वोल्ट के आसपास है, और सर्किट बोर्ड, और लगेगा एक स्पीकर। ठीक है, कनेक्शंस शुरू करने से पहले मैं आपको पोटेंशियोमीटर के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ। इसमें जो टोटल 3 पिन्स है, इसमें अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं तो पहला पिन है ऑडियो इन, जो कि रेडियो सिग्नल्स हैं, और ये मिडल वाला पिन है, यहाँ से ऑडियो आउट होता है एम्पलीफायर के लिए, और एक ग्राउंड है। ठीक है, ये बास का पोटेंशियोमीटर है, इसमें भी सेम है। फर्स्ट पिन जो है ऑडियो इन, सेकेंड पिन जो है ऑडियो आउट फॉर एम्पलीफायर, और थर्ड पिन है ग्राउंड। ट्रबल के लिए भी सेम है, फर्स्ट पिन ऑडियो इन, सेकेंड पिन ऑडियो आउट, एंड थर्ड पिन ग्राउंड। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसके कनेक्शंस करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जो तीनों पोटेंशियोमीटर है इनका जो ग्राउंड पिन है 3 नंबर वाला, उसको वायर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। चलिए मैं इसको फटाफट कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। एक ग्राउंड के लिए मैंने ग्रीन वायर का इस्तेमाल किया है, और ये तीनों पोटेंशियोमीटर के जो ग्राउंड पॉइंट्स हैं एक साथ कनेक्ट किए हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है, ये तीनों पोटेंशियोमीटर के जो फर्स्ट पिन है जो कि ऑडियो इन कहलाता है, उनको भी सेम तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। इसके लिए हम वाइट वायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये भी कनेक्शंस फटाफट कर लेते हैं। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो जाए। तो इस तरह से ये तीनों पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट पिन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है वाइट वायर से। एक बार ये सब कनेक्शंस देख लो ताकि हम आगे का कनेक्शंस करेंगे। अब क्या करना है, एक लेना है PF जिसकी वैल्यू है 103, और उसका कनेक्शंस कुछ इस तरह से करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो बीच वाला पोटेंशियोमीटर है जो कि हमने बास के लिए इसको सिलेक्ट किया है वो लेना है, और उसका जो फर्स्ट पिन है जिसको वाइट वायर से कनेक्ट किया हुआ है, और ये मिडल पिन है, ये दोनों के बीच में हमको ये 103 का PF लगाना है कुछ इस तरह। मैं आपको पहले इसको सोल्डरिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने इस PF को मिडल पिन और फर्स्ट पिन के बीच में कनेक्ट किया है बास के पोटेंशियोमीटर पे। ठीक है, अब क्या करना है, और एक PF लेना है जिसकी वैल्यू होगी 104, और ये जो वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हमने पोटेंशियोमीटर सिलेक्ट किया है उसके बीच वाले पिन पे उसको कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। इसके बाद हमें वापस लेना है ये पोटेंशियोमीटर जो कि बास के लिए सिलेक्ट किया है, इसका जो बीच वाला पिन है, ये बीच वाले पिन पे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 4.7K। ठीक है, यह है 4.7K का रेजिस्टेंस, इसको मैं आपको ये बीच वाले लेग पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ।
तो मैंने यहाँ इस रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट कर लिया है। अभी ये जो रेजिस्टेंस का एक लेग बचा हुआ है और ये जो 104 का पीएफ है इसका एक लेग बचा हुआ है, ये दोनों को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये भी कनेक्ट हो गया। अभी क्या करना है, एक येलो वायर का टुकड़ा लेना है और इसी जॉइंट के ऊपर उसको भी सोल्डर कर लेना है कुछ इस तरीके से। इस येलो वायर का जो दूसरा एंड है ये वॉल्यूम कंट्रोलर के बीच वाले पिन पे सोल्डर करना है। तो यहाँ तक के कनेक्शंस पूरे हो गए हैं। अब चलते हैं सर्किट बोर्ड के ऊपर। तो ये रहा सर्किट बोर्ड। तो इसके कौन से पिन पे कौन सी वायर लगानी है वो देखते हैं। इस बोर्ड का जो मेन आईसी है उसका जो पिन नंबर 24 है वहाँ रेडियो सिग्नल्स जनरेट होते हैं जो कि ऑडियो इन कहलाते हैं। ये पिन नंबर 24 का ट्रैक यहाँ तक आया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक वायर वाइट वायर का टुकड़ा लेंगे और इस पिन नंबर 24 का जो ट्रैक है वहाँ उसको सोल्डर कर देते हैं। इस वाइट वायर का जो दूसरा एंड है वो हम वॉल्यूम कंट्रोलर के पिन नंबर 1 पे कनेक्ट कर देंगे। अब लेना है एक येलो वायर का टुकड़ा और इसको वॉल्यूम कंट्रोलर के बीच वाले लेग पे कनेक्ट करना है। और इस येलो वायर का जो दूसरा एंड है वो सर्किट बोर्ड पे कहाँ कनेक्ट करना है वो अभी हम देख लेते हैं। इस मेन आईसी का पिन नंबर 25 जो है वहाँ से एक ट्रैक निकलता है और वहाँ एक बीच में एक कैपेसिटर आता है, पीएफ कैपेसिटर। तो वो पीएफ कैपेसिटर के दूसरे एंड से एक ट्रैक निकलता है। वो ट्रैक पे हम कहीं भी इस येलो वायर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ येलो वायर को पिन नंबर 25 के बाद जो पीएफ आता है और पीएफ के बाद जो ट्रैक शुरू होता है वहाँ पे येलो वायर को कनेक्ट किया है। अभी हम करेंगे स्पीकर के कनेक्शंस। तो स्पीकर के लिए पहले मैं दो वायर कनेक्ट करके लेता हूँ। मैंने यहाँ स्पीकर के प्लस के लिए ब्राउन वायर सिलेक्ट किया है और माइनस के लिए ब्लैक वायर का इस्तेमाल करूँगा। इस बोर्ड के पिन नंबर 28 से एक ट्रैक निकलता है स्पीकर के लिए, लेकिन रास्ते में एक कैपेसिटर आएगा। इस कैपेसिटर की वैल्यू होगी 470 माइक्रोफेरेड 16 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे ये पिन नंबर 28 से ट्रैक आता है और इस कैपेसिटर का जो नेगेटिव है इस नेगेटिव पे हमें स्पीकर का आउट का कनेक्शन देना है, यानी कि जो ब्राउन वायर आई है स्पीकर से उसको यहाँ कनेक्ट करना है। उसके बाद जो स्पीकर का नेगेटिव वायर है तो इस बोर्ड में जहाँ भी आपको नेगेटिव का ट्रैक मिले वहाँ कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ ब्लैक वायर को भी कनेक्ट कर दिया है। तो स्पीकर के वायर जो कनेक्शंस हैं वो पूरे हो गए हैं। अब हम करेंगे एंटेना के कनेक्शंस। एंटेना कनेक्शंस के लिए यहाँ पिन नंबर 13 से एक ट्रैक निकलता है, उसके बाद यहाँ एक पीएफ आता है और पीएफ के बाद जो ट्रैक मिलेगा वहाँ कहीं भी आप एंटेना का वायर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ये एंटेना का वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। एंटीना का भी कनेक्शंस हो चुका है। अब इस बोर्ड को पावर सप्लाई देना पड़ेगा। तो इस बोर्ड को पावर सप्लाई देने के लिए हम बैटरी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये है 4 वोल्ट की बैटरी है। तो इसके वायरिंग के कनेक्शंस मैं पहले ही करके लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मैंने यहाँ बैटरी के प्लस और माइनस को रेड और ब्लैक वायर कनेक्ट किया है। अभी इसका हम कनेक्शन कर देंगे। बैटरी का जो नेगेटिव है वो सर्किट बोर्ड में जहाँ भी नेगेटिव का ट्रैक मिलेगा वहाँ कहीं भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ ब्लैक वायर को बोर्ड के ऊपर नेगेटिव के ऊपर कनेक्ट किया है। अब लेना है एक अलग से रेड वायर का टुकड़ा और इस आईसी का पिन नंबर 27 जो है वहाँ से जो ट्रैक निकलता है वहाँ कहीं भी इसको कनेक्ट करना है,
क्योंकि यहाँ से हमें इसे इस बोर्ड को VCC सप्लाई देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पिन नंबर 27 पे रेड वायर को कनेक्ट करता हूँ, और ये जो रेड वायर का दूसरा एंड है ये हमें कहाँ जोड़ना है, ये जो वॉल्यूम कंट्रोलर है उसके पीछे जो ऑन ऑफ के लिए कनेक्शंस बनाए हैं, दो पिन्स हैं, उसमें किसी भी एक पिन के ऊपर ये रेड वायर कनेक्ट करना है। इसके बाद क्या करना है कि जो बैटरी से जो पॉजिटिव वायर निकला है रेड कलर का, उसका जो दूसरा एंड है उसको भी यहाँ वॉल्यूम कंट्रोलर के जो पीछे वाले जो दो पिन्स है उस पर जो दूसरा पिन है उसके ऊपर सोल्डर कर देना है। तो अब तक हमारे जितने भी कनेक्शंस है वायरिंग के सब हो चुके हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको पावर देके देख लेंगे कि ये हमारा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं यहाँ वॉल्यूम कंट्रोल बटन की मदद से पावर को ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि ये रेडियो चालू होता है कि नहीं होता है। दोस्तों, कॉपीराइट एक्ट की वजह से मैं ये पूरा गाना तो आपको प्ले करके यहाँ नहीं दिखा सकता, लेकिन ये सिस्टम तो पूरी तरह से वर्क कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक कॉमेंट करके ज़रूर बता देना। धन्यवाद।